हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। मैं प्रियांशु कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। यह कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। यह कोर्स में बहुत सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो आप ऐसे ही मेरे वीडियो सीरीज देखते रहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज मैकेनिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग फोर्थ चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज टाइम। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, और यह खास करके यह डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों व्हाट इज मास पढ़ते हैं। मास क्या होता है दोस्तों, तो एक सिंपल भाषा में समझिए मास क्या होता है। तो किसी भी बॉडी के अंदर उस बॉडी का कंपोजिशन ऑफ मटेरियल को ही मास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ह्यूमन है, तो इस ह्यूमन के अंदर कितने हड्डियां हैं, कितने ऑर्गन है, कितने टिश्यूज है, कितने सेल है, कितने उसके अंदर का और भी पार्ट है, तो सारा पार्ट को अगर हम तोला जाए या फिर वजन किया जाए तो जो आएगा वही उसका मास कहलाएगा। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि मास क्या होता है। तो चलिए बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज मास। कहने का मतलब वही है दोस्तों, किसी भी बॉडी के अंदर जो भी मैटर है उसी को मास कहते हैं। अगर आपको यह डिफरेंस समझ में नहीं आया तो ऑर्डिनेशन आपको शिक्षा के लिए मैंने लिख चुका हूँ। अ मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेंड ऑन इट। मैंने दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मास वह है जो किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर में, किसी भी बॉडी में कितने भी उसके अंदर के मटेरियल को ही कंटेन करके रखा है उसी को हम मास कहते हैं। सिंपल वर्डों में ये समझ दोस्तों कि किसी भी बॉडी के अंदर उस बॉडी में उपस्थित कुल मटेरियल या फिर मैटर को ही हम मास कहते हैं। आपके सुविधा के लिए दोस्तों मैंने हिंदी में भी परिभाषा लिख चुका हूँ। पिंड का द्रव्यमान किसी भी पदार्थ या उस पर निहित पदार्थ की मात्रा है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी पदार्थ या उस पर निहित पदार्थ की मात्रा, मतलब उस पदार्थ के अंदर कितने पदार्थ की मात्रा है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो मास का ऐसा यूनिट आप लोग जानते होंगे केजी कहते हैं, और सी जैसे यूनिट इसका ग्राम होता है। आई होप दोस्तों आपका मास टॉपिक अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं व्हाट इज वेट। बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन रहता होगा कि मास और वेट दोनों सेम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मास और वेट बिल्कुल डिफरेंट है। मास हम कहते हैं किसी भी बॉडी के अंदर उस बॉडी के कंपोजिशन को भी हम मास कहते हैं, और वेट उसे कहते हैं कि वेट का पहले बार हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी से पढ़ लेते हैं। द फोर्स विच अ बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज वेट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अर्थ हम पर जिस फोर्स से अपने को आकर्षित करता है उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आती है तो नीचे की ओर क्यों आती है, क्योंकि उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसीलिए ना वो नीचे की ओर आती है। अगर हम दोस्तों वही अगर चांद पर चले जाए तो चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ हवा में उड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मास वहां कम हो गया, इसका मतलब ये कि अर्थ वहां पे चांद द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स वहां कम, इसलिए हम लोग उड़ रहे हैं। और बहुत सारे सोचते होंगे स्टूडेंट कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना छोड़ चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही न के बराबर होता है, इसलिए दोस्तों ये कंफ्यूजन मत रहिए कि मास और वेट सेम होता है। तो चलिए दोस्तों वेट देखते हैं। वह बल जिसके साथ कोई भी पिंड या पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है तो वजन में जाना जाता है। तो सिंपल से वर्ड में यह समझ दोस्तों कि जिस फोर्स से अर्थ हम पर अट्रैक्शन फोर्स सॉरी सॉरी दोस्तों जिस फोर्स से अर्थ हम पर अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर या अपने
केंद्र की ओर, उसी को हम वेट कहते हैं। तो न्यूटन के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे एक बराबर में फोर्स बराबर होता है मास में एक्सेलरेशन। जहां पर अगर ग्रेविटी की बात आ जाए, सेंस ऑफ ग्रेविटी, तो ए कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू जी में। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसमें अब यहाँ पर ए कन्वर्ट हो जाएगा अगर जी में, तो ए बराबर हो जाएगा एम जी, और ए बराबर एम जी हो जाएगा। ये कौन सा फोर्स है? यह फोर्स से अर्थ हम पर लगा था, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। और हम लोग जानेंगे, हम लोग अभी तुरंत पता पहले सीखे कि जिस फोर्स से अर्थ हम पर अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। इस फोर्स को के में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इसी फोर्स को हम वेट करेगा। इसलिए डब्ल्यू बराबर कुछ हो जाएगा एम जी, जहाँ डब्ल्यू बराबर है वेट, एम बराबर है मास, जी बराबर है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। अगर मास और वेट अलग अलग है तो कुछ डिफरेंस होगा। यह कुछ पॉइंट है दोस्तों जिससे आपको मास और वेट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं। मास का एसआई यूनिट केजी होता है एंड सीजीएस यूनिट इसका ग्राम होता है। ये दोस्तों आपको थोड़ा देर पहले हमें बताया था कि मास का एसआई यूनिट केजी होता है और सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। वहीं वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट टाइम होता है। तो आप लोग दोस्तों यह फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आएगा। सेकंड डिफरेंस क्या कहता है? तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेट आपको वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का स्केलर क्वांटिटी कहने का यह मतलब है कि सिर्फ मास में आपको क्या होता है, तो मास में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और लेकिन वहीं वेट में आपको क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। इसलिए आपको वेट हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी और मास हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। और क्या पढ़े थे? और हम लोग पढ़े थे इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ बॉडी। हम लोग दोस्तों थोड़ी पहले बताए थे कि अगर आप चांद पर चल जाइएगा तो आपका वहाँ मास कम नहीं होगा, आपका अट्रैक्शन जो अर्थ जो मून लगा रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मास है वो लोकेशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। आप कहीं भी जाइए, आपका जितना वेट है, अगर आपका मान लीजिए 50 किलो वेट है, तो आपका हर जगह 85 किलो वेट रहेगा, वो कम बेसी होने वाला नहीं है। लेकिन जो वेट है वो आपको डिपेंड हो जाता है लोकेशन ऑफ बॉडी। हम लोग थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बॉडी। आप कहीं और जाइएगा तो आपका आपके अट्रैक्शन फोर्स कहीं कुछ कम लगेगा, अगर आप मून पे जाइएगा तो और कम लगेगा, अगर अर्थ कहीं मीटर पर जाएगा तो कम लगेगा, अगर अर्थ इधर जाएगा तो ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब है कि यह डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बॉडी। मास क्या हम लोग चौथा डिफरेंस पढ़ते हैं। इट इज सेम एवरीवेयर, दैट मींस इट इज कांस्टेंट। थोड़ा देर पहले दोस्तों बताए थे कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ बॉडी। कहने का मतलब कि यह सेम रहेगा हर जगह। अगर सेम रहेगा हर जगह तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन वही वेट क्या होता है, यह वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोग थोड़ा देर पहले बताया अभी दोस्तों कि आप अगर यहाँ चल जाइएगा तो आपका अट्रैक्शन फोर्स कम कुछ भी लगेगा, अगर आप यहाँ जाइएगा तो और डिफरेंस हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। अब मून पर जाएगा तो वहाँ, अब जुपिटर पर जाएगा तो वहाँ का कुछ अलग ही अट्रैक्शन फोर्स काम करता होगा। तो कहने का मतलब इट इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डेट मीन्स क्या दोस्तों, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं, अगला डिफरेंस पढ़ते हैं मास। तो मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई मास, कोई भी बॉडी का अगर जीरो हो गया मास, तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। मास कैसे कोई बॉडी का जीरो हो सकता है? हाँ, लेकिन वेट कोई भी बॉडी का जीरो हो सकता है। अगर मान लीजिए आप भी सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाते हैं तो आपका वहां पर कुछ हो जाता है, वेट जीरो हो जाता है। वेट ऑफ द बॉडी मे बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट आपको जीरो हो सकता है। अगला डिफरेंस पढ़ते हैं दोस्तों। इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और वेट क्या है? तो वेट इज अ फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी है। मास को कैसे से सूचित किया जाता है? तो मास को आपको एम से सूचित किया जाता है और वेट को आपको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो यह डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। इसलिए यह डिफरेंस को आप अच्छे से याद कर लेना और इसको एकदम रट जाए, ताकि आपको यह कहीं भी कोई भी पूछे आपको तुरंत आप बता सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये तीसरा टॉपिक, सॉरी दोस्तों चौथा टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज लेंथ? लेंथ क्या होता है दोस्तों? तो लेंथ क्या होता है दोस्तों? तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज भी होता होगा दोस्तों। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूज क्या है तो बताते हैं दोस्तों।
लेन का आपका उपयोग तब होता है जब आप एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है, तो इस बिंदु के सापेक्ष आप अगर आप इस बिंदु के स्थान के वर्णन करना चाहते हैं तो आपको लेंथ काम आता है। मान लीजिए दोस्तों कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में कितना लेंथ पे खड़ा है, तो यह मैंने इस दोनों आदमियों के बीच में कितनी दूरी है इसको दर्शाता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस रिलेटेड टू अनदर पॉइंट, मतलब किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष में किसी भी पॉइंट का पोजीशन को डिस्क्राइब करना हम लोग लेंथ कहते हैं। मौलिक भौतिक मात्रा, सॉरी दोस्तों लंबाई मौलिक भौतिक मात्रा है जिसका उपयोग किसी बिंदु के स्थान पर किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष स्थिति का वर्णन करने में के लिए किया जाता है। तो लेंथ का हम लोग दोस्तों ऐसा यूनिट पढ़ते हैं, तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है और सीजस यूनिट इसका सेंटीमीटर होता है और एक्स यूनिट इसका फुट होता है। तो ये ऐसा यूनिट आप लोग जरूर दोस्तों याद कर लीजिए कि इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, सेल्सियस यूनिट सेंटीमीटर होता है और एक मीटर में दोस्तों आप जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर आता है। ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और आप लोग ये लेंथ तो आप लोग समझ में आ चुका होगा। कहने का मतलब लेंथ वही है जो किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु के स्थान का वर्णन करता है, उसी को हम लेंथ कहते हैं। अब जो दोस्तों पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम, टाइम क्या होता है दोस्तों। तो टाइम तो आप लोग नॉर्मली सब लोग जानते हैं टाइम क्या है। तो टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट और इन द अदर वर्ड, और हम इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं वी कैन से दैट द टाइम इज द सक्सेशन ऑफ इवेंट। समय क्या दोस्तों, तो समय भौतिक मात्रा है जो दो घटनाओं के बीच के अंतराल का वर्णन करता है, अंतराल का वर्णन करता है। मतलब किसी भी एक घटना हुआ मान लीजिए 5 मिनट पहले, ठीक, और ये घटना हुआ अभी तुरंत, तो मैं 5 मिनट पहले बोला यानी क्या बोला, मतलब हम समय का यूज किए, मैंने क्या चीज बोला, ये घटना अभी हुआ, ये घटना 5 मिनट पहले हुआ, इस घटना से इस घटना के बीच में अंतराल जो हुआ तो टाइमिंग ने दर्शाया, हम लोग बोले ना कि 5 मिनट पहले, तो ये क्या टाइम दर्शाया कि हाँ अभी जो घटना हुआ था और उससे पहले वाला जो घटना हुआ था वो दोनों घटना के बीच में 5 मिनट का समय था। इसलिए दोस्तों समय भी आप लोग को समझ में आएगा, अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छे से आप ये डेफिनेशन पढ़ लिया, आप गारंटी है कि आपको टाइम और लेंथ ये सब सारा का डेफिनेशन आप पढ़ेगा तो आपको समझ में सारा चीज आ जाएगा। तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों सीजस यूनिट और एफपीएस यूनिट, तीनों का तीन यूनिट इसका सेकेंड होता है, इसको हम डिनोटेड करते हैं एस से। आई होप आपको ये टाइम समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते, तो आज के वीडियो सीरीज हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस फ्री वीडियो सीरीज के बारे में। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो सीरीज फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स यू वेरी मच।